I'm going to tell about you to do, the use of to do. मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस लिए हैं जिनमें आपको मैं टू टू का यूज करके ये समझाऊंगा कि इसको किस तरह लगाना है. फर्स्ट सेंटेंस है तो हमने इसमें टू टू को यूज किया है. तो फर्स्ट थिंग आप याद रखेंगे जो हमेशा, तो वेरी को हटा के यहाँ टू टू लगाना है. वर्ब के बाद जो वेरी आता है उसे हटाएंगे और उसकी जगह पर टू टू को हमें रिप्लेस करना है. राम इज टू इंटेलिजेंट. पहला सेंटेंस जब फिनिश हो जाए, खत्म हो जाएगा, तो हम सेकंड सेंटेंस को स्टार्ट करते समय ये याद रखेंगे कि सब्जेक्ट अगर सेम है, सब्जेक्ट सेम है, राम को ही कहा गया है, तो हम उसको हटाएंगे और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब जो है उसे हम ऑलवेज हटाएंगे. तो हमने इसमें हटाया है राम इज टू इंटेलिजेंट. पहला सेंटेंस फिनिश हुआ. हमने ही को नहीं लिया, कैन को नहीं लिया, तो वर्ब को लगाने से पहले हम इसमें ये टू टू यूज करेंगे हर जगह. तो टू सॉल्व दिस सम, इस तरह पहला कंप्लीट हुआ है. दूसरा सेंटेंस भी हम देखेंगे. इसमें हमने अमर लिया है और इस नीचे ही है, ये सब्जेक्ट भी सेम है, तो अमर इज टू सेल्फिश. टू बी, वी यहां एज अ वर्ब आया है, तो टू बी अ फ्रेंड. इस तरह ये दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ. थर्ड सेंटेंस जो है हमने इसमें कैट को लिया है, नीचे इट है, लेकिन ये सेंटेंस भी सेम, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये भी सेम है. द कैट इज वेरी फास्ट. तो द कैट इज टू फास्ट टू कैच. सब्जेक्ट को हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को हटाएंगे और वर्ब से पहले टू यूज करेंगे. टू टू कैच द रैट. फोर्थ सेंटेंस है, हमने इसमें लिया है सब्जेक्ट को डिफरेंट द बॉक्स और नीचे दिया है हमने दे. ये दोनों सेम नहीं हो सकते, बॉक्स को हम दे नहीं बोल सकते. तो द बॉक्स इज टू लाइट. टू लाइट पहला सेंटेंस फिनिश. दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट डिफरेंट है, अगर अलग है वो, तो हम उसके लिए यहां पर फोर यूज करते हैं. देखिए मैंने यूज किया है फोर, सब्जेक्ट को नहीं लेना है, फोर यूज करके उसका ऑब्जेक्ट लेना है. फोर को यूज करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे ऑलवेज. यहां जो भी सब्जेक्ट आएगा उसका यहां पर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे. तो प्रोनाम के ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर यहां पर राम होता नीचे तो यहां पर राम ही आएगा. नाउन होगा तो नाउन ही पहुंचेगा, प्रोनाम होगा तो उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे. फाइव नंबर का सेंटेंस जो है इसमें देखिए, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई. ये देखिए वन डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट जहां भी वन को हम लेंगे, वन समवन एवरीवन, तो हम उस सब्जेक्ट को भी रिमूव करेंगे, हटा देंगे. तो हटाएंगे और हेल्पिंग वर्ब तो ऑलवेज हटाते हैं. टू क्लाइम, इट को भी हटाना है. इट के लिए भी हम आपको बताएंगे कहां हटाना है और कहां नहीं हटाना चाहिए. यहां पर इट को हटाया, यहां भी इट हटाया. इट को हम वहां पर हटाते हैं जो इट उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा. द बॉक्स ही इट है, माउंट एवरेस्ट ही इट है, इसलिए हमने इसको रिमूव किया है. सिक्स नंबर का सेंटेंस देखिए, रमेश इज टू फूल टू सॉल्व इट. हमने इसमें ही को हटाया, कैन नॉट को हटाया, ये इधर हमने आपको बताया था. तो रमेश इज टू फूल टू सॉल्व इट. यहां हमने इट को नहीं हटाया, यहां पर इट को नहीं हटाया, क्योंकि ये जो इट है वो रमेश से कनेक्टेड नहीं है, ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि रमेश को हम इट नहीं बोल सकते. तो जब भी यहां जो इट आएगा लास्ट में, जो इट सेकंड सेंटेंस में जो इट आता है, वो अगर सब्जेक्ट से, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं है, तो हम उस इट को लगाएंगे, और अगर ये सब्जेक्ट से कनेक्टेड है तो हम इट को रिमूव करेंगे. तो आपने देखा कि वेरी को हटा के हमें टू लगाना है,
दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है तो हटाना है, हेल्पिंग वर्ब को ऑलवेज हटाना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा है तो हम उसे भी हटाना है। हमें बी को अच्छे से समझना है, ये एज अ वर्ब आया है तो हमने यहाँ इसको लिया है, और अगर डिफरेंट सब्जेक्ट है तो हमें फोर लगा के उसमें उसका ऑब्जेक्ट लेना है। नाउन है तो सेम नाउन ही पहुंचेगा। और इधर देखिए वन, समवन, एवरीवन वगैरह अगर आता है तो हम उसे भी रिमूव कर देते, हटाते नहीं है। तो इस तरह आज का ये लेसन जो आपका है यूज ऑफ टू टू कंप्लीट हुआ। आप इसे एक बार देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, और आप इसे सॉल्व कीजिए बाद में।